Hi Vishal, how are you? Hello everyone. Hi Vishakha. Okay, so लिंक पहुंच गया है टेलीग्राम ग्रुप्स में. मैं एक फाइल अपलोड करती हूँ और फिर क्लास पे शुरू करते हैं. ठीक है? ओके, सो हाय गाइस, क्या हालचाल है? सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है और कल कौन कौन स्पेशल क्लास में था जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे? आज हम क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ. हाय सान्या. ओके सो गाइस, व्हाट डू यू फील? चलो, तुम लोगों से क्वेश्चन है मेरा, मुझे इसका आंसर देना. हाउ डू यू फील लाइक क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो? आई बिलीव कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे. सो एज ऑफ नाउ जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक एक्सपीरियंस ऑफ 10 days, 15 days और वॉट एवर, 1 month, 3 months, इफ यू आर अ ड्रॉपर देन आई थिंक 1 year, 2 year, वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, सो वॉट डू यू फील? डू यू फाइंड दिस सेक्शन टू बी डिफिकल्ट? डू यू फाइंड दिस सेक्शन टू बी ईजी? और इज देर समथिंग इन विच यू आर फेसिंग डिफिकल्टी? इज देर समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? और लाइक तुम्हें बहुत मजा आ रहा है सी आर पढ़ के, तो वट आर योर व्यूज अबाउट द सेक्शन? ओके, सो हमारी फाइल भी अपलोड हो रही है. चलो, फाइल भी अपलोड हो गई है. इट इज डिफिकल्ट. हाय सानिया सेज इट्स डिफिकल्ट. ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है डिफिकल्ट है? देखो, डिफिकल्ट क्यों है इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, और इस डिफिकल्टी को कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो सानिया, आई अग्री विद यू दैट इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट क्रिटिकल रीजनिंग इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है ये समझने में कि यार, आज तो मैंने क्वेश्चन किया था, मुझे इसमें ये आंसर मिला, आई यूज दिस लॉजिक. अभी सेम लॉजिक से आई डिड अनदर क्वेश्चन, वो तो गलत हो गया. ठीक है? नाउ दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम विच आई थिंक यू गाइज फेस. देन दूसरी प्रॉब्लम जो तुम लोग फेस करते हो वो है कि हम दो ऑप्शन में फंस जाते हैं, उसके बाद समझ ही नहीं आता है किसको मार्क करने. जो मुझे लगता है वो आंसर होगा, वो आंसर होता ही नहीं है, दूसरा आंसर होता है. सो दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम. दिस सेक्शन सीम्स डिफिकल्ट बिकॉज इट इज अ वेरी ओपिनियन बेस्ड सेक्शन. व्हेन आई से ओपिनियन बेस्ड सेक्शन, क्योंकि जब ऑथर एक, मान लो मैंने पेपर बनाया है, तो वो पेपर मेरे माइंडसेट, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग सेट है, और तुम्हें ऑथर का ओपिनियन उस टाइम पे समझना है. ठीक है? अब मान लो एक पैसेज मैंने लिखा, एक आर्टिकल मैंने लिखा, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसको समझो. हम क्या सोचते हैं, हमारे वैल्यूज क्या हैं, हमारी नॉलेज क्या है, इसको हमें बिल्कुल भी साइड में रखना है. ठीक है? बिल्कुल यूज नहीं करना. ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट इज कि ऑथर क्या सोचते हैं. ठीक है? ऑथर ने क्या कहा, ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, तो इस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, थोड़ा सा वर्क करना है अपनी रीडिंग पे, बिकॉज अगर हम रीडिंग को अच्छा कर लें, अगर हम रीडिंग में थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं, तो बहुत हेल्प मिलने वाली है हमको आगे. और तीसरा काम हमें करना है कि इवन इफ यू गेट द राइट आंसर, मेक श्योर टू रीड द एक्सप्लेनेशन. नाउ दिस माइट सीम्स एब्सर्ड, वाई? मेरे को तो मिल गया ना सही आंसर, तो जरूरी है कि मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ूं? हाँ, एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है. और क्यों पढ़ना है, इसका रीजन मैं देती हूँ. देखो, होता यह है कि अक्सर हम एक लॉजिक अप्लाई करते हैं और हमें आंसर सही मिल जाता है, जबकि रियालिटी ये होती है कि हमने लॉजिक अप्लाई तो किया, पर कहीं ना कहीं अभी हमें हमारा लॉजिक क्लियर नहीं है, हमारे लॉजिक में कुछ ना कुछ गैप्स हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है? सो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ें. मेक श्योर इवन इफ यू आर गेटिंग राइट आंसर्स, रीड एक्सप्लेनेशन. इससे आपका लॉजिक टेस्टिंग होगा, एंड वंस योर लॉजिक इज क्लियर, आई एम वेरी श्योर उस टाइप का क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे. तो ये तो है मेरी तरफ से एक बेसिक कि आपको क्या करना चाहिए. ठीक है? एंड सानिया गिव मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो जो मैंने पूछा था. चलो, अब आज की क्लास शुरू करते हैं. शुरू करें, एवरीबडी रेडी? ओके, सो जल्दी से पहला क्वेश्चन करते हैं. देर आर सम अपडेट्स, आज 25% का आखिरी दिन है, सो मेक श्योर यू ऑफर अवेल कर लेना. ऑफर अवेल करने के लिए मेरा कोड कृतिलाइफ10 यूज कर सकते हो. लेकिन ऑफर्स के बारे में और सारे बैचेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर बाद. सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज ऑन वीकेंड. कमजोर करना है, वीकेंड करना है.
तो 2 मिनट बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन, लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ बेसिक कि वीकेंड करते कैसे और वीकेंड होता क्या है. सो गाइस, वीकेंड करने का मतलब क्या होता है? अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, वीकेंड करना यानी कमजोर बनाना, ठीक है, किसी चीज को फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करना. जब आप किसी की पॉइंट को वीकेंड करते हो, एट द सेम टाइम आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करोगे, दूसरे को गलत प्रूव करने की कोशिश करोगे. इन दिस केस ऑथर ने अपना एक कंक्लूजन दिया है, हमें उस ऑथर के कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करके इस कंक्लूजन को गलत साबित करने की कोशिश करनी है, इस कंक्लूजन को बताना है, नहीं ऑथर आप यहाँ पे गलत हो, हमें तो वीकेंड करना है, यानी आपको गलत करते हो, अपना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देना है. सो यू हैव टू प्रूव दी ऑथर रॉन्ग और यू हैव टू प्रूव दी ऑथर फॉल्स. हेंस वी विल फाइंड अ न्यू इन्फॉर्मेशन इन दी ऑप्शंस. रिमेंबर, स्ट्रेंथ एंड वीकेंड के क्वेश्चंस में हम हमेशा न्यू इन्फो ढूंढते हैं. हम ऑप्शंस में एक नया इन्फो ढूंढेंगे, उस नए इन्फो के बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन को फॉल्स बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, दिस इज द बेसिक गाइज, एंड नाउ वील अप्लाई वॉट वी जस्ट स्टडीड इन द क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन, रीड करो, ट्राई करो. और हाँ, पहला काम इस पैराग्राफ का कंक्लूजन ढूंढो. ट्राई करोगे सब लोग खुद से, या पैराग्राफ में पहले एक्सप्लेन कर दूं, योर चॉइस. राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, शुड आई एक्सप्लेन दी पैराग्राफ फर्स्ट और यू वॉन्ट टू ट्राई इट एज अ होल? खुद से करना है पूरा. ओके, खुद से करना है तो यू कैन ऑल्सो गिव दिस थम्स अप गाइज. ओके, परफेक्ट. सो आई गॉट फ्यू थम्स अप. चलो सब लोग ट्राई करो इसे, फिर इसे डिस्कस करते हैं. लेट्स ट्राई द क्वेश्चन. Everybody, should I give you the poll? चलो, try to give me the answer. I'll explain why ये answer गलत है, क्यों ये option सही है. But उससे पहले, let us mark the answers, okay? विशाल एंड श्री ने भी करेक्ट आंसर दिया है. वेरी गुड गाइज. ओके, सो वी हैव टू करेक्ट आंसर्स. एंड ओवरऑल अगर पोल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो पोल बटा हुआ है हमारा. ठीक है, किसी बच्चे ने ए मार्क किया है, किसी ने बी मार्क किया है. सो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड दी पैराग्राफ. आखिर पैराग्राफ कहना क्या चाहता है? सो विंड टर्बाइन इज अ कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी इनटू इट्स यूजफुल फॉर्म. ओके, वी आर गिवन अ डेफिनेशन विंड
टर्बाइन क्या करता है, विंड पावर क्या होता है, ठीक है, और विंड पावर हम कैसे जनरेट करते हैं, हम विंड टर्बाइंस को यूज करके जनरेट करते हैं. फर्दर इट इज गिवन दैट एट द एंड ऑफ 2007 वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर जनरेटर्स वाज 95 गीगावाट. तो जब 2007 करीब करीब एंड हुआ तो जो वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी थी लाइक विंड एनर्जी या विंड डेवलप लाइक विंड एनर्जी या विंड पावर जनरेटर्स की वो 95 गीगावाट थी. बट ग्लोबली विंड पावर जनरेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ और लगभग फाइव फोल्ड इंक्रीज हो गया 2000 से 2007, यानी 7 सालों के बीच में. ये सब एक फैक्ट हमें दे रखा है, ठीक है. विंड एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी कैसे बनाई जाती है, 2007 के एंड में डेटा क्या था और इन 7 ईयर्स 2000-2007 के बीच में क्या हुआ, दिस इज द प्रीमिस गिवन टू अस. यानी विंड एनर्जी वो धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और वाइडली यूज करना शुरू कर रहे थे. द प्रिंसिपल एप्लीकेशन वॉज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. विंड पावर काफी पॉपुलर होता जा रहा था बिकॉज इसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज नहीं होता, इसलिए विंड पावर पॉपुलर होता जा रहा था. अब ऑथर ने लिखा आई थिंक, यहां से शुरू होता है तुम्हारा कंक्लूजन, क्योंकि वॉट इज कंक्लूजन, ऑथर का ओपिनियन एक कंक्लूजन है, ठीक है. तो कंक्लूजन क्या है, इट इज ऑथर्स ओपिनियन. एंड जब ऑथर ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक, ठीक है, व्हाट आई परसीव इज, अगर इस तरह के सेंटेंसेस दिख रहे हैं तुमको, यानी ये ऑथर का ओपिनियन है. और इस पे खास करके तो यू डोंट नीड टू लर्न ऑल दिस डेटा गिवन, इसको कभी याद करने की कोशिश मत करना, लेकिन अगर तुम्हें ऑथर का ओपिनियन इस तरह दिखता है तो उसे समझने की कोशिश जरूर करना, बिकॉज यहीं पे तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है. आई थिंक इट शुड बी द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ 21st सेंचुरी प्लान्स टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग शुड बी प्रायोरिटाइज अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. ऑथर को लगता है कि विंड एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बन के सामने आ रहा है, इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए. जितने भी हमारे अलग अलग एनर्जी सोर्सेज है उसमें विंड एनर्जी को प्रायोरिटाइज कर देना चाहिए, इट इज अ मेजर कॉम्पोनेंट. तो ऑथर के अकॉर्डिंग विंड एनर्जी जो है वो काफी पॉपुलर हो रही है और लोगों को उसे खूब यूज करना चाहिए. तो हमें हमारा कंक्लूजन क्या मिला, इनिशियली व्हेन यू डू क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकन मेक श्योर टू राइट द कंक्लूजन इन सिंपल वर्ड्स सो दैट यू कैन फाइंड योर आंसर्स प्रॉपर्ली. सो कंक्लूजन हमें मिला कि विंड एनर्जी अच्छी है, विंड एनर्जी को हमें यूज करना चाहिए, इट शुड बी यूज्ड वाइडली. ओके, दिस इज द हमारा कंक्लूजन. अब हमें इस कंक्लूजन को करना है फॉल्स, और जब हमें इस कंक्लूजन को फॉल्स बनाना है तो हमें कुछ तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा ऑप्शंस में जो बताए कि मे बी विंड एनर्जी हम इतनी वाइडली यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है. अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं. व्हाइल विंड पावर में एमिट नो ग्रीन हाउस गैसेस ड्यूरिंग द जनरेशन प्रोसेस द मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड टर्बाइंस डू सो. Now this particular question में जो options है ना थोड़ा मुश्किल है eliminate करना. अब option number A कहता है कि wind power कोई greenhouse gas emit नहीं करती, लेकिन जब हम manufacture करते हैं wind turbines को, जब हम transport करते हैं तो greenhouse gases release होते हैं. पर बच्चों ये तो बस one time process है ना. एक बात बताओ, मान लो greenhouse gases release होते हैं at the time of manufacture, don't you think it is a one time process? और अगर one time process है तो एक बार release होने के बाद जो इतने सालों तक हमें long टर्म बेनिफिट्स दिखेंगे इस विंड टर्बाइन के, वो इस छोटे से ऑफसेट को ओवरकम कर जाएंगे. That means ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. This is a very small problem which can easily be rectified. So one time loss की वजह से हम इतना सारा profit या इतना सारा फायदा नहीं छोड़ सकते. So option number A does not weaken the author's reasoning. Okay? ऑप्शन नंबर टू कहता है देयर इज नो इनफ कैपेसिटी एट प्रेजेंट टू जनरेट विंड पावर इनफ टू एड्रेस द ग्रोइंग पावर नीड्स. अब एक बात बताओ, दुनिया के नीड्स को पूरा करने के लिए तो आपको अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करनी होगी ना. सो आप आज शुरू करोगे फिर कल करोगे, तो अगर आज कैपेसिटी नहीं है तो वी कैन स्लोली इंक्रीज द कैपेसिटी इन फ्यूचर, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी डज नॉट वीकन. और कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी माइन्यूटली स्ट्रेंथन भी करता है, क्योंकि ये कहता है कि दुनिया की पावर नीड बढ़ रही है और हमें जरूरत है विंड एनर्जी कैपेसिटी की. सो ऑप्शन नंबर बी भी वीकेंड नहीं कर रहा है. अब ऑप्शन नंबर डी पे आओ. पहले द ह्यूज नंबर ऑफ बर्ड्स आर किल्ड बाय द टर्बाइंस विच जनरेट विंड पावर, दिस इज नॉट मॉरली करेक्ट. गाइज आई अग्री ये मॉरली करेक्ट नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जब बहुत सारी बर्ड्स मर रही है तो हम कुछ तो ऐसा ढूंढ सकते हैं जिससे हम इन बर्ड्स की लाइफ भी बचा सके, ठीक है. देयर कैन बी वी कैन डू समथिंग, जैसे हम मे बी हम स्केयर क्रोज लगा सकते हैं, मे बी हम कुछ ऐसा साउंड सिस्टम लगा सकते हैं जिससे बर्ड्स वहां से उड़ जाएं. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम विच
you know, for which we can develop a solution. So option number D does not weaken. Now C is the correct answer, and C seems very unusual too. Ki C sahi kyun hai? Wind turbine are not economical and viable in a marketplace. Let's say wind energy hum produce kar lete hain bahut mass extent mein. Hum sab ke gharo mein wind energy ke through light aana shuru ho jati hai. But this energy is pricey. Why? Because ye economical nahi hai. Market mein viable, easily available nahi ho rahi hai. Sabse pehle to mere ghar mein main light nahi jala paungi if it's not easily viable in the market. Secondly, agar economical nahi hai to mere electricity bills bahut high chale jayenge and people will not be able to afford this wind energy. That means ki author ko zarur lagta hai ki wind energy ko widely use karna chahiye, lekin agar wind energy economical hi nahi hogi to log ise use nahi kar payenge, which means option number C kya karta hai, hamare given paragraph ya conclusion ko weaken karta hai. Ab batao, samajh mein aaya? Okay, hi Neeraj. Neeraj, can you give me the specific point on what exactly, ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? कोई option ऐसा है या paragraph ऐसा है या फिर यही नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है? ठीक है, आई जितने भी बच्चे भी क्लास पे हो ना, मुझे सबका आंसर चाहिए यहाँ पे. Did you guys understand? समझ में आया ये question? जब हम weaken करते हैं नीरज, तब हम क्या करते हैं? तब हम author के argument को कमजोर करते हैं. हमें वीकेंड करना है, दिस इज द क्वेश्चन रिटन. ओके, सो हमें ऑथर के आर्ग्यूमेंट को कमजोर बनाना है. ठीक है, और जब हम ऑथर के आर्ग्यूमेंट को कमजोर बनाते हैं तो हम कोई ऐसा नया इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जिससे कि हम उस गिवन कंक्लूजन को फॉल्स बना पाए. व्हाट वाज द कंक्लूजन? विंड एनर्जी शुड बी यूज वाइडली. ये ऑथर का कंक्लूजन था, हमें इसे बनाना है फॉल्स. हमें क्या करना है? इसको फॉल्स बनाना है. ओके, चलो. सो नीरज, एक बार गो थ्रू करना क्वेश्चन को. नहीं समझ में आता है तो एट दी एंड मैं तुम्हें फिर से समझा दूंगी ये क्वेश्चन. ठीक है, चलो एवरीबॉडी, नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन एजम्पशन. ठीक है, अब एजम्पशन में पहले बात तो एजम्पशन का आंसर ढूंढना कैसे होता है ये बताती हूँ. यहाँ है द आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन. हम जब भी कुछ लिखते हैं या जब भी आप किसी ऑथर का कुछ लिखा हुआ पढ़ते हो, ऑलवेज रिमेम्बर कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एजम्पशन. आप हमेशा पहले कुछ सोचोगे और सोचने के बाद लिखोगे. जैसे एक दिन अचानक मैंने एक आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया लॉकडाउन पे. ठीक है, बट वाई वुड आई स्टार्ट राइटिंग द आर्टिकल ऑन लॉकडाउन? क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ होगा कि मे बी लोगों को जानना चाहिए लॉकडाउन के बारे में. मे बी अभी तक किसी ने लॉकडाउन के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो मुझे लिखना चाहिए. आई शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉकडाउन. एनीथिंग, ऐसा एक कोई मेरा अजम्पशन लेआउट हुआ होगा एंड उस अजम्पशन के बाद मैंने उस आर्ग्यूमेंट को लिखना शुरू किया. अजम्पशन होता है कुछ एज्यूम करना, कुछ सोचना. ठीक है, अब यहां पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ये देखते हैं. एक आर्ग्यूमेंट है और आर्ग्यूमेंट हमेशा आपका कंक्लूजन होता है, और therefore, hence, so, ठीक है, इसके बाद आपको conclusion मिलेगा. तो there are some keywords to find conclusion. जरूरी नहीं है ये keywords आपको हमेशा ही आपके paragraph या passage में मिले. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे therefore लिखा है, so therefore basically आपको एक argument और I can say conclusion है. Scientists must have discovered the butterfly at night. ऑथर ने एक प्रिमिस को रीड किया और प्रिमिस को रीड करके ये बता दिया कि साइंटिस्ट ने इस बटरफ्लाई को रात में डिस्कवर किया होगा. आपको सोचना है, आपको यह एज्यूम करना है क्यों ऑथर ने इस बटरफ्लाई को रात में ही डिस्कवर क्यों किया होगा. यू बेसिकली अजम्पशन इज द गैप बिटवीन योर आर्ग्यूमेंट एंड योर फैक्ट. ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. इट्स क्लाउडी आउटसाइड. ठीक है, टेक योर अम्ब्रेला. तो आपको क्लाउडी है तो आप अपना अम्ब्रेला लेके जाओ. ठीक है, क्यों लेके जाना है? क्योंकि बारिश हो सकती है. सो दिस रेन वॉज अ गैप विच वॉज नॉट रिटन इन द स्टेटमेंट बट इट वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट. सो एजम्पशन इज ऑल्सो द न्यू इन्फॉर्मेशन. इट इज रिलेटेड टू योर कंक्लूजन. कुछ ना कुछ आपके कंक्लूजन के बारे में बताती है ये न्यू इन्फो, लेकिन ये डायरेक्टली पैराग्राफ में रिटन नहीं होती. ठीक है, सो क्लाउडी है, अम्ब्रेला लेके जाओ, दिस वॉज दी गैप. यही गैप आपको यहाँ पे ढूंढना है. वाई ऑथर हैज सेड कि इस बटरफ्लाई को रात में ढूंढना होगा, ये आंसर आपको ढूंढना है. ठीक है, चलो ट्राई द क्वेश्चन गाइस.
ओके, शुड आई गिव यू द पोल? चलो, मार्क योर आंसर्स एवरीवन. Okay, so I can see that most of you have given me option number D as your answer. चलो, let's eliminate the answer choices. Let's find कि B क्यों correct है. जो किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया मुझे, तो ढूंढते हैं. सबसे पहले तो let us read. Scientists have discovered a new species of butterfly that lives only in a small region of Central America and is active only at night. तो साइंटिस्ट ने एक बटरफ्लाई ढूंढी है, एक नया स्पीशीज ढूंढा है जो सेंट्रल अमेरिका में रहती है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ रात को एक्टिव होती है. दिन के टाइम पे वो ट्री टॉप पे रेस्ट करती है, ठीक है. एंड वेयर इट्स ग्रीन कलर मैचेस द फॉलिएज परफेक्टली. व्हाट इज द फॉलिएज? फॉलिएज होगी जो पेड़ की ऊपर की पत्तियां हैं वो. तो बेसिकली ट्रीज की जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ओके. एंड सिमिलरली ये जो बटरफ्लाई है इसका कलर भी ग्रीन ही होता है, जिस वजह से ये बटरफ्लाई पेड़ों के बीच में छुप जाती है. इस वजह से देयरफॉर साइंटिस्ट ने जो बटरफ्लाई है ये रात को ही ढूंढी होगी. हमें दो चीजें बताई गई, एक बटरफ्लाई है, न्यू स्पीशीज है, ठीक है, जिसके जो कंप्लीटली ग्रीन कलर की है और ये ट्रीज की जो लीव्स हैं उनके बीच में कहीं छुप जाती है इस वजह से, और ये सिर्फ रात में यानी नाइट में ही एक्टिव रहती है, ठीक है. वन थिंग, इस वजह से ड्यू टू विच साइंटिस्ट ने इस बटरफ्लाई को सिर्फ नाइट के टाइम पर ही डिस्कवर किया होगा, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज. अब हमें क्या बताना है, हमें एज्यूम करना है साइंटिस्ट ने रात को ही क्यों डिस्कवर किया होगा, ठीक है. हम ये सोच सकते हैं या फिर हम सोच सकते हैं ओके, क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई और स्टेटमेंट है ऐसा जो ऑथर ने लिखा नहीं है पर हमने इनडायरेक्टली समझ लिया. इसके लिए ऑप्शंस करते हैं एलिमिनेट. सबसे पहले ध्यान रखना एजम्पशन में कभी भी रीस्टेटमेंट वर्क नहीं करता. सो अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी देखो जो सब बच्चों ने मार्क किया है. द फॉलिएज ऑफ द बटरफ्लाईज हैबिटेट इज कंप्लीटली ग्रीन. गाइज यहाँ पे लिखा है इट रेस्ट ऑन द ट्री टॉप वेयर इट्स ग्रीन कलर मैचेस द फॉलिएज परफेक्टली. यानी बटरफ्लाई का कलर भी ग्रीन है और फॉलिएज का कलर भी ग्रीन है, इस वजह से बटरफ्लाई दिन में दिखाई नहीं देती है. इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि फॉलिएज जो है बटरफ्लाई की हैबिटेट का वो बिल्कुल ग्रीन है, राइट. लेकिन बच्चे इस चीज को हमने एज्यूम नहीं किया है, दिस इज समवेयर गिवन टू अस. इस चीज को हमने लॉजिकली डिराइव किया है और लॉजिकली डिराइव करने को हम कंक्लूजन या इंफरेंस कहते हैं, उसे हम एजम्पशन नहीं कहते. जिस वजह से जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी मार्क किया, यू गिव मी एन इन्फेरेंस फ्रॉम द पैराग्राफ, यू डिड नॉट गिव मी द एजम्पशन. हमें कुछ नया इन्फो चाहिए, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही नहीं है. ऑप्शन नंबर ई क्यों गलत है? द बटरफ्लाई कैन नॉट सर्वाइव इन द एरियाज आउटसाइड सेंट्रल अमेरिका. सो गाइज वी आर ओनली ओनली डिस्कसिंग अबाउट द स्मॉल रीजन ऑफ सेंट्रल अमेरिका. हम अब बाहर सेंट्रल अमेरिका के बाहर के रीजन को डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी कहता है देर इज नो वे फॉर साइंटिस्ट टू डिटेक्ट बटरफ्लाई ड्यूरिंग द डे. नाउ दिस इज द राइट आंसर. व्हाई राइट है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले सी को देखते हैं. नो बटरफ्लाई स्पीशीज लिव्स इन द रीजन ऑफ सेंट्रल अमेरिका. सेंट्रल अमेरिका में कोई भी बटरफ्लाई स्पीशीज रहती ही नहीं है. गाइस नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज एंटायरली फॉल्स विद रिगार्ड टू द प्रीमिस गिवन. और हम अपने प्रीमिस को कभी भी ऑप्शंस में फॉल्स नहीं करते. प्रीमिस बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है या फैक्ट्स होते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी भी यहां पे गलत हो जाता है, ठीक है. ऑप्शन नंबर ए कहता है न्यूली डिस्कवर्ड बटरफ्लाई इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई. सो गाइस वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी अदर स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, दैट्स व्हाई ए इज आल्सो रॉन्ग. तो हमारे पास बस एक बी बचता है, यानी साइंटिस्ट किसी भी तरह से दिन में इस बटरफ्लाई को नहीं ढूंढ सकते थे. क्यों? क्योंकि इस बटरफ्लाई का कलर ग्रीन है और ये पत्तियों के बीच में छुप जाती है, इस वजह से ड्यू टू विच इस बटरफ्लाई को सिर्फ रात में ही ढूंढा होगा.
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, नाउ एक तरीका होता है निगेशन टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम इजीली आंसर्स ढूंढ सकते हैं. ठीक है, आपको करना है अपने ऑप्शन को नेगेटिव. जैसे देर इज, अब यहाँ पे देर इज नो वे, यानी देर इज अ वे फॉर साइंटिस्ट. आप नेगेटिव हटा दो, साइंटिस्ट के पास एक रास्ता है बटरफ्लाई को दिन में ढूंढने का. इसका मतलब अब अगर साइंटिस्ट के पास एक रास्ता है बटरफ्लाई को दिन में ढूंढने का, देन हमारा ये जो गिवन कंक्लूजन है ये तो फॉल्स प्रूफ हो रहा है. ठीक है, ये रॉन्ग प्रूफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है साइंटिस्ट ने बटरफ्लाई को रात में ही ढूंढा होगा. बटरफ्लाई को रात में ही ढूंढा जा सकता है. वाइल दिस अगर निगेट करते हैं तो ये कहता है बटरफ्लाई को दिन में ढूंढने के तरीके भी हैं. सो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है हमें हमारे कंक्लूजन में और हमारे ऑप्शन में, देन वो एक करेक्ट अजम्पशन होता है. सो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अब करेंगे, ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैसेज है. ठीक है, एंड द पैसेज इज हियर ऑन द स्क्रीन. सो गाइस, दिस वाज अ पैसेज फ्रॉम सैंपल पेपर. ये सैंपल पेपर जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था क्लैट का, उसका पैसेज है. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड इट एंड देन वील हैव अ क्विक डिस्कशन. लेट मी नो गाइज वेन यू आर डन रीडिंग, हम इस पैसेज को डिस्कस करेंगे. और हाँ, जब आप रीड करोगे तो आप मुझे बताना कि आपको क्या समझ में आया इस पैराग्राफ से. वॉट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. ओके, डन द रीडिंग एवरीवन, सबने रीड कर लिया, एवरीबडी इन द क्लास. ओके, टेक योर टाइम विशाखा, चलो थोड़ा सा और टाइम दे रही हूँ, रीड कर लो.
हो गया. ओके, सो आई वॉन्ट टू आस्क यू बिफोर वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन, ठीक है, आई वॉन्ट टू आस्क यू, वॉट डू यू थिंक इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन आइडिया या मेन थीम क्या है? एनी वन? अच्छा ठीक है, मुझे येस नो में बताना. सेव द चाइल्ड. ओके ठीक है, मेरे पास एक आंसर आया है कि बच्चे को बचाना है, सेव द चाइल्ड. कोई ऐसा बच्चा जो मुझे कोई और आंसर देना चाहता हो? एनी अदर आंसर गाइस? ओके, व्हाट इफ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है, मैं पूछती हूँ, व्हाट इज पजलिंग ओवर हियर? ऑथर ने कहा कि देर इज समथिंग पजलिंग, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वे पजलिंग किस चीज को मेंशन कर रहा है ऑथर? व्हाट इज पजलिंग ओवर हियर? एनीबॉडी? देखो, बॉब की जो कहानी दी गई है, ठीक है, वो हमें दी है पैराग्राफ 1 में. हमें बॉब की कहानी से ये पता चलता है कि बॉब ने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उस कार को खरीदा था. वो कार बॉब ने उस बच्चे की जान बचाने के लिए यूज नहीं करी, ठीक है. बॉब ने कहा बच्चा अगर उस कार को देखेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो साइड में, वो सॉरी, बॉब बच्चा उस ट्रेन को देखेगा तो बच्चा शायद खुद ही साइड में हो जाएगा, मुझे अपनी कार के साथ रिस्क लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी जिंदगी भर की सेविंग्स है, ठीक है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि बॉब ने सही किया या गलत किया, क्योंकि अगर देखा जाए मॉरली तो एवरीबडी ब्लेम्ड बॉब कि उसने बच्चे की जान नहीं बचाई, उसने अपनी कार को बचाया, उसे बच्चे की जान बचानी चाहिए थी. तो ऑथर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना इतना गलत है? ठीक है, क्या हम मानता है, ऑथर सेज कि बिल्कुल हम मानते हैं बच्चे की जान बचाना वाज इम्पोर्टेंट, बट क्या अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना खराब है? या फिर जिसने अपना पूरा पैसा एक कार में इन्वेस्ट कर दिया हो, जिसके लिए कार इतनी वैल्यूएबल हो, अगर वो अपनी कार के बारे में उस पॉइंट पे समझ रहा है, सोचता है, तो क्या वो गलत है? सो व्हाट इज पसलिंग ओवर हियर? ऑथर देन एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं जो हमें पैसेज के लास्ट में दिखता है. बाय इंप्लीकेशन वी शुड आल्सो बिलीव दैट विद द सिंपल एक्ट ऑफ सेविंग मनी फॉर रिटायरमेंट वी आर एक्टिंग एज बैडली एज बॉब. इस इंप्लीकेशन से तो अगर हम अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहे हैं तो हम भी बॉब की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, हम उतना ही खराब कर रहे हैं जितना बॉब कर रहा है, क्योंकि हम लोगों की मदद नहीं कर रहे. फॉर सेविंग मनी फॉर रिटायरमेंट वी आर इफेक्टिवली रिफ्यूजिंग टू यूज दैट मनी टू हेल्प सेव लाइव्स, क्योंकि हम लोगों की मदद नहीं कर रहे. अब ये एक बहुत ही डिफिकल्ट इंप्लीकेशन है कन्फ्रंट करने के लिए. क्या अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना अलग है? क्या खुद के लिए सोचना, सेल्फ कॉन्शियस होना गलत है? और ये गलत, अब ऑथर कहते हैं हाउ कैन इट बी रॉन्ग टू सेव फॉर अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट? खुद के रिटायरमेंट के लिए सेव करना गलत क्यों है? और समथिंग इज वेरी पजलिंग ओवर हियर. अब समथिंग पजलिंग यानी लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स deciding what is right and what is wrong, this is puzzling according to the author. Why is it wrong to why is it wrong to be little bit selfish and to save for yourself? क्योंकि वो हमारे future में काम आने वाला है. So उस point को author ने puzzling बोला था. So कहानी, अब देखो पूरे passage का अगर हम एक passage mapping करने की कोशिश करें यहाँ, तो Bob Unger की कहानी is not actually the main idea. अगर तुमसे कोई भी पूछेगा कि बॉब की कहानी क्या यहाँ मेन आइडिया है, नहीं, बॉब की कहानी सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि अपने लिए सेविंग करना, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना क्या इतना खराब हो सकता है. सो दिस इज जस्ट दी स्टोरी, दिस इज जस्ट दी एग्जाम्पल गिवन टू लेट यू नो अबाउट दिस कंक्लूजन. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन. So we have this question number 1 on the screen. Which of the following is Bob from Peter Unger's story most likely agree with? In options ke saath, agar aap in options ko padhoge, to Bob, Peter, author nahi, Bob ke in options ke saath agree karega. Ye aapko bata raha hai. Chalo, try the question everyone, I'll give you the poll. Okay guys, mark your answer. You'll have 45 seconds. Sakshi, Vishakha, Sanya, Shri, Jagriti, bilkul sahi.
रिमेम्बर गाइस, बॉब की कहानी याद करनी है। बॉब ने बच्चे की जान नहीं बचाई, बॉब ने अपनी कार को बचाया, यानी बॉब ने अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया था दूसरों से पहले। दैट्स व्हाई हमें बॉब के अकॉर्डिंग बताना है, हमें खुद के मॉरल्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। वन मस्ट लुक आउट फॉर अदर्स इंटरेस्ट। नो, हमें बॉब के अकॉर्डिंग बताना है ना, हमें खुद के इंटरेस्ट के बारे में बताना है। चैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। नो, बॉब विल नॉट अग्री विद दिस। मोर इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू सेव द चाइल्ड्स लाइफ। नो, बॉब विल नॉट अग्री विद दिस। ऑप्शन नंबर बी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वंस ओन इंटरेस्ट रैदर देन दोज ऑफ अदर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन एग्जांपल मोस्ट क्लोजली रिजेंबलिंग बॉब्स डिसीजन रिजल्टिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम ऑफ सेक्रीफाइस दैट द ऑथर डिस्कसेस इन द पैसेज। अब यहां पे आपको एक एग्जांपल देना है, ठीक है? अब हमें पैसेज में से नहीं ढूंढना है, एक स्टेटमेंट आपको दिया है, रिजेंबलिंग बॉब्स डिसीजन, ठीक है? एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो बॉब के एक्शंस को रिजेंबल करे। ध्यान रखना, बॉब ने जो किया, अपने खुद के इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटाइज किया, ठीक है? वही बॉब के एक्शंस को रिसेंबल करे, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है पैरेलल रीजनिंग, और कहा जाता है एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। रिसेंबल मतलब जागृति, बिल्कुल कॉपी कर रहा हो, कॉपी इन द सेंस बहुत सिमिलर लग रहा हो। बॉब का एक्शन क्या था? अपने कार को बचाओ पहले, बच्चे को बाद में देखेंगे। तो ये एक्शन क्या था? खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता था। तो आपको भी यहाँ एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करे। Mark your answers also. Okay, Vishakha, Sakshi, Ridha, correct answer. Okay, should we discuss the question? So guys, there are two options which can confuse you here. ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी को पहले एलिमिनेट करते हैं और सी को एलिमिनेट करते हैं। तो बॉब ने क्या किया था? अपनी खुद की कार को बचाया था, ठीक है? बॉब सेव्ड द कार, ठीक है? तो रॉजर अर्न्स वेरी वेल एंड डिस्ट्रीब्यूट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड अमंग्स द नीडी एवरी वीक। बट बच्चे, रॉजर की अगर हम बात करते हैं, तो रॉजर अभी चैरिटी कर रहा है, वो जो अपना फूड है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अहमद अर्न्स वेरी लिटिल, ही डोनेट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हिज सैलरी आल्सो। सो दिस इज आल्सो एक्सट्रीमली लाइक दिस इज आल्सो चैरिटी, लेकिन बॉब इज नॉट डूइंग एनी चैरिटी। सो ऑप्शन नंबर ए देखो, गुरमीत बहुत कम कमाता है, लेकिन वो अपनी सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करता है। गाइस रिमेंबर, गुरमीत खुद के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। सो गुरमीत इज थिंकिंग अबाउट अदर्स ओवर हियर, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी कहता है रवि अर्न्स वेल, लेकिन वो चैरिटी नहीं करता बिकॉज वो श्योर नहीं है चैरिटी मनी पुअर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ठीक है? सिमिलरली बॉब जो है वो बच्चे की जान नहीं बचाता क्योंकि वो श्योर नहीं है, वो अपनी कार को बेसिकली ठीक है, वो अपनी कार को रिस्क में नहीं डालता क्योंकि वो श्योर नहीं है कि उसको रिस्क में डालने से ही बच्चे की जान बचेगी या नहीं, या बच्चा हो सकता है खुद भी ट्रेन को देख ले तो बिना बात ही उस बेचारे की कार चली जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। हाय विशाखा, विशाखा पैसेज इज वेरी इजी, आई अग्री विद यू, ठीक है? लेकिन इस पैसेज के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा देन हमारा आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। सो इवन इफ पैसेज इज वेरी इजी, इट इज डिफिकल्ट टू मार्क दी आंसर्स बिकॉज बच्चे अक्सर इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? तो चलो एनीवे, लेट्स सॉल्व दिस वन एंड दिस क्वेश्चन। दिस होल पैसेज इज फ्रॉम द सैंपल पेपर ऑफ क्लैट। ये सैंपल पेपर आपको क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। देयर आर सिक्स पैसेजेस और ये पैसेजेस मैं सारे के सारे क्लास में करवाऊंगी, सो यू डोंट नीड टू वरी। नाउ अगला क्वेश्चन करो। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज पजलिंग अबाउट हाउ पीपल रिएक्ट टू बॉब्स एक्शन एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ सच रिएक्शंस।
Okay, I'll give you the poll. Mark your answers. Very good, Vishakha. Nitish, correct answer. Ridhav, absolutely right. Very good. Okay, everyone, so time's up. Okay, so Bob the Builder, oh, I like that cartoon actually. Dikhti thi main kabhi. So according to the author, puzzling. अब हमें जैसे लास्ट में लिखा था इट्स पजलिंग, तो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या पजलिंग है? हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज पजलिंग अबाउट हाउ पीपल रिएक्ट टू बॉब्स एक्शन. यहाँ पे बॉब के एक्शन के बारे में क्या पजलिंग है ये नहीं बताना था, लोगों का जो रिएक्शन है बॉब के एक्शन पे, यानी बॉब ने क्या किया, बच्चे की जान नहीं बचाई, कार को बचाया, इस पर लोगों ने एक रिएक्शन दिया, लोगों ने कहा बॉब ने गलत किया, उस पर हमें बताना है क्या पजलिंग है अकॉर्डिंग टू दी ऑथर. नाउ बच्चे अगर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सो रिमेंबर दिस वन कुड दैट वन कुड बी क्रिटिसाइज फॉर नॉट सेविंग चाइल्ड लाइफ. तो मैंने आपको बताया था द पैसेज इज मच मोर देन जस्ट बॉब्स स्टोरी. पैसेज इज अबाउट रेजिंग अ क्वेश्चन, क्या खुद के लिए सेव करना गलत है? सो हम एग्जैक्टली बच्चे की जिंदगी की बात नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे कि क्या सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करना गलत है. ठीक है, सो वन कुड बी क्रिटिसाइज फॉर नॉट सेविंग चाइल्ड लाइफ. नाउ अगर बच्चे की जान किसी ने नहीं बचाई, वो जान जो सच में रिस्क में है, तो बिल्कुल उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा. बट इन दिस केस बॉब वॉज नॉट श्योर कि उसको ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं, इस वजह से सी गलत हो जाता है. डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वेरी इजिली डी कुड हैव बीन एलिमिनेटेड, बिकॉज यहाँ लिखा है दैट वन कुड बी क्रिटिसाइज फॉर प्रोटेक्टिंग अदर पीपल, वन वुड नेवर बी क्रिटिसाइज फॉर प्रोटेक्टिंग अदर पीपल, दैट्स वाई डी इज रॉन्ग. Then option number A or B, I think, were very close options. That one could be criticized for ensuring one's comfort in the retirement. बस ये ना सिर्फ आधी बात करी गई है. ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? बिकॉज ये सिर्फ आधी बात कर रहा है कि आप क्रिटिसाइज करोगे अगर कोई अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ता है, अपने कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहा है. तो ऑप्शन नंबर बी क्लियरली कहता है कि क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि दिस कुड बी क्रिटिसाइज फॉर इंश्योरिंग वंस कंफर्ट इन रिटायरमेंट रादर देन डोनेटिंग मनी. ठीक है, तो यहाँ पे माई लैपटॉप्स बैटरी है, सो इट वॉज सम बैटरी इशू, अभी ठीक है. ओके, सो यहाँ पे वन कुड बी क्रिटिसाइज फॉर इंश्योरिंग वंस कंफर्ट. सो ऑप्शन नंबर बी पूरा का पूरा एक हमें सिनेरियो दे रहा है जो कि पैसेज में डिस्कस भी किया गया है, दैट वन शुड बी क्रिटिसाइज फॉर इंश्योरिंग वंस कंफर्ट. ठीक है, रादर देन डोनेटिंग मनी, यानी सेल्फिश हो रहा है कोई. अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, सो अब करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द इम्प्लीकेशन दैट ऑथर ड्रॉज इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज फ्रॉम पीपल्स रिएक्शन टू बॉब्स एक्शन. डू यू वॉन्ट टू चेक द पैसेज वंस? ओके, यू कैन क्विकली गो थ्रू द पैसेज एवरीवन. ओके गाइस, सो चलो क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द इम्प्लीकेशन दैट ऑथर ड्रॉज इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज फ्रॉम पीपल्स रिएक्शन टू बॉब्स एक्शन. लोगों के रिएक्शन से, रिएक्शन को हमें वीकेंड करना है यहाँ, बॉब के एक्शन को वीकेंड नहीं करना, लोगों ने जो रिएक्ट किया उसे वीकेंड करना है.
ओके, मार्क योर आंसर्स गाइस. सानिया, साक्षी, नीतीश, करेक्ट आंसर. गाइस, वी हैड टू वीकेंड इट. देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले वीकेंड का क्वेश्चन किया था, राइट? सो वीकेंड करना है हमें यहाँ, यानी कमजोर बनाना है. किसको? बॉब के एक्शन को कमजोर नहीं बनाना है हमें, बॉब के एक्शन को फॉल्स नहीं बताना. लोगों का जो रिएक्शन था, सो लोगों का रिएक्शन कैसा था? पीपल्स रिएक्शन वॉज नॉट गुड, पीपल वर नॉट हैप्पी विद बॉब्स एक्शन. सो हम लिख लो, अभी नया नया सीख रहे हो ना, तो राइट इट. पीपल वर नॉट हैप्पी With Bob's reaction, with Bob's action, लोग खुश नहीं थे बॉब के एक्शन से. वी हैव टू वीकेंड इट, दैट मींस हमें बताना है नहीं, लोग ठीक थे, लोगों को लगा बॉब के एक्शन सही है. सो बॉब्स, पीपल कंसिडर बॉब्स एक्शन बैड, दिस विल स्ट्रेंथन. पीपल कंसिडर बॉब्स एक्शन बैड अगेन, विल स्ट्रेंथन. आगे जाना ही नहीं, छोड़ दो, डी और ए तो आंसर नहीं होंगे. अब दो ऑप्शंस बचे. पीपल कंसीडर बॉब्स एक्शन गुड सिंस अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट फूल अराउंड विद रेलवे ट्रैक्स. तो बच्चों, अनऑथराइज्ड पर्सन को रेलवे ट्रैक के आसपास नहीं आना चाहिए, बात तो सही है. लेकिन एक बेटर आंसर भी हमें बताना है, मोस्ट वीकेंड. यानी जब मोस्ट वीकेंड या मोस्ट स्ट्रेंथन के क्वेश्चन हम करते हैं ना, तो कई बार दो ऑप्शन होती या तीन ऑप्शन हो सकते हैं जो वीकेंड कर रहे हैं, लेकिन हमें बताना है जो सबसे ज्यादा वीक करे, जो सबसे ज्यादा रिलेट कर सके पैराग्राफ के पैसेज के साथ. ऑप्शन नंबर सी इज मोर क्लोज. तो पीपल कंसीडर बॉब्स एक्शन गुड सिंस उसने अपनी कार को बचाया और इंश्योर किया कि वो ओल्ड एज में कंफर्टेबल लाइफ जिए, ना कि लोगों की हेल्प करे. ठीक है, सो लोगों ने एक्शन को अच्छा समझा. नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द ऑप्शन विच मोस्ट वीकेंड्स द इम्प्लीकेशन. अंडरस्टूड? चलो, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ. Which of the following would provide a solution to what the author describes as puzzling question of how can it be wrong to save the comfortable retirement? आपको ढूंढना है solution to this problem now. Course of action निकालना है, solution ढूंढना है problem का. हाय जागृति. जागृति, पेरिल का मतलब होता है लोगों को किसी प्रॉब्लम में डाल देना. ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम में डाल देना, लोगों को मुसीबत में डाल देना, दैट्स पेरिल. Okay, should I give you the poll? Mark your answers, everybody. ओके, सो वी हैव नीतीश विद द करेक्ट आंसर हियर. अब देखो, हमें क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अ सॉल्यूशन
टू वॉट ऑथर डिस्क्राइब्स एज पजलिंग क्वेश्चन ऑफ हाउ कैन इट बी रॉन्ग टू सेव फॉर कंफर्टेबल रिक्वायरमेंट. ऑथर ने लास्ट में एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि क्या अपने कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए अगर हम सेव करते हैं तो वो गलत है. तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है, हमें बताना है कि हमें बिल्कुल अपने कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सेल्फिश काम है. तो फिर कुछ तो सोल्यूशन होगा ना इस बात का, वी हैव टू गिव दैट सोल्यूशन. तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए सेविंग करो, लेकिन दूसरों को खतरे में मत डालो. ठीक है, सो दिस इज वन, दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस गाइस. अगर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो कहते हैं वन शुड सेव फॉर कंफर्टेबल रिटायरमेंट, लेकिन जो भी सरप्लस यानी ज्यादा पैसा है उसको आपको दूसरों की मदद करने में लगा देना चाहिए. आई गेव यू सी एज एन आंसर ना, वन शुड सेव फॉर कंफर्टेबल रिटायरमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अदर्स एज पेरिल, दूसरों को खतरे में ना. दोनों ही सही रहेंगे बच्चे, यहाँ पे सी ही करेक्ट होगा. एक तो आपको दूसरों को खतरे में नहीं डालना है, अपने आप कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो. दूसरी चीज, आपको जो भी सरप्लस मनी हो वो आप डोनेट कर सकते हो. सो ऑप्शन नंबर सी एवरीबॉडी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, सबको पैसेज समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आगे चलें, दूसरा क्वेश्चन करें. ओके चलो, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ. दिस इज नॉट द क्वेश्चन विच वी विल बी सॉल्विंग. ओके, डू यू सी दिस क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइस? ये करते हैं, दिस इज अ कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ मिस रोहिणी कुछ कह रही है और मिसेस पल्लवी कुछ कह रही है. हमें बताना है कि दोनों मिसेस मिस रोहिणी एंड मिस पल्लवी डिसअग्री अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग. दोनों किस बात पर डिसअग्री कर रहे हैं हमें बताना है ये. ठीक है, सो लेट्स ट्राई द क्वेश्चन एवरीवन. द रियलिटी, चलो ये रियलिटी शो पे दोनों कुछ बात कर रहे हैं, हमें बताना है कि मिस्टर मिस रोहिणी एंड मिसेस पल्लवी डिसअग्री अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग. ट्राई द क्वेश्चन. Okay, everybody, you can mark your answers. Okay everyone, so we should discuss this question. Sakshi and Nitish and Ridhav ne hame correct answer diya. You still have 30 seconds, so mark your answers guys. ओके, सो एवरीवन, हमें बताना था मिस रोहिणी एंड मिसेस पल्लवी किस बात पे डिसएग्री करते हैं. मिस रोहिणी का कहना था कि रियलिटी शोज जो होते हैं टेलीविजन पे. हाय यश, अभी बताती हूँ सेंसरशिप क्या होता है. सेंसरशिप हो गया बेसिकली, अगर बात करें तो कुछ चीजों पे, जैसे कि अगर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज है तो उस जगह अक्सर बीप होता है, वो आपको जो अब्यूजेस यूज करे गए वो शो नहीं किए जाते. सो सेंसरशिप जो हो गया, ठीक है, वो बेसिकली हो गया कुछ चीजों पे एक बार लगा देना कि आप इससे ज्यादा किसी चीज को शो नहीं कर सकते हो.
जैसे न्यूडिटी पे अक्सर एक बार लग जाता है या फिर एक रेटिंग मिल जाती है कि दिस इज ए रेटेड और दिस इज फॉर चिल्ड्रन, दिस इज फॉर अबव 18, सो वो होता है सेंसरशिप. ओके, तो अभी मिसेस रोहिणी का कहना है कि रियलिटी शोज जो टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं वो हमारे मॉरल फैब्रिक जो होती है सोसाइटी की उसको हार्म करते हैं. ये शोज इमोरल बिहेवियर दिखाते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे ये एक नॉर्म हो, और लोग भी बिलीव करने लगते हैं कि इमोरल बिहेवियर जो है वो हमारी सोसाइटी का एक नॉर्मल तरीका है. पल्लवी का कहना है कि रियलिटी शोज वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं. सो डिक्लाइन जो हो रहा है मॉरल वैल्यूज में वो रियलिटी शोज की वजह से नहीं हो रहा, वो हमारी सोसाइटी के मॉरल फैब्रिक की वजह से हो रहा है. और अगर रुक सेंसरशिप एक तरह से हो गया, अगर किसी कभी किसी चीज को रोका जाता है, ठीक है, और अगर हम ये लगा देते हैं तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये फंडामेंटल राइट, क्योंकि लोगों का फंडामेंटल राइट है एक्सप्रेस करना भी, तो उनके राइट के साथ क्या होगा, उनके राइट के अगेंस्ट जाना होगा. सो रोहिणी एंड पल्लवी डिसएग्री विद व्हाट, दे अग्री कि मॉरल वैल्यूज जो है वो नीचे जा रही है. वो अग्री करते हैं कि मॉरल वैल्यूज कम होती जा रही है लोगों के बीच में, लेकिन वो डिसएग्री करते हैं इस बात से कि मॉरल वैल्यूज कम हो रही है उसका रीजन रियलिटी शो है या कुछ और है. तो पल्लवी को लगता है कि मॉरल वैल्यूज कम होने का एक्चुअल रीजन हमारी सोसाइटी का मॉरल फैब्रिक ही है और हमारी सोसाइटी है. रोहिणी को लगता है इट्स दी टेलीविजन जो इफेक्ट कर रहा है मॉरल वैल्यूज को. सो दिस इज द पॉइंट वेयर दे बोथ डिसएग्री. सो ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज रॉन्ग नॉट टू लेट व्यूअर्स डिसाइड व्हाट दे वांट टू सी. नाउ दिस इज इरेलेवेंट, नहीं बता रहे कि दोनों डिसएग्री किस पॉइंट पे कर रहे हैं. बी कहता है सेंसरशिप इज रिक्वायर्ड टू इनसेमिनेट द राइट वैल्यूज इन द सोसाइटी. नाउ दिस मींस ये हमें सिर्फ बताता है कि रोहिणी जो बात कर रही है वो सही है, पल्लवी का पॉइंट यहाँ पे नहीं बताया गया. सी कहता है द कंटेंट ऑफ रियलिटी शोज इज गाइडेड बाय व्हाट व्यूअर्स सी. यहाँ पे सिर्फ पल्लवी का पॉइंट बताया, रोहिणी के पॉइंट को नहीं देखा, ये नहीं बताया कि दोनों डिसएग्री किस पॉइंट से कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर डी कहता है डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यूज इज ड्यू टू रियलिटी शोज. गाइस डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यू इज समथिंग दे बोथ अग्री विद, लेकिन ये डिक्लाइन रियलिटी शो की वजह से है या कोई और रीजन है इस पॉइंट पे वो अग्री नहीं कर रहे हैं. हेंस ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, एक करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल शो यू द लीडर बोर्ड. ठीक है, आज के लिए जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास गाइस. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. वी हैव साक्षी, नितीश, विशाखा ऑन द टॉप थ्री फॉर टुडे. चलो बाय एवरीवन. Okay, bye guys, take care.